एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। आप नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, आपकी डीसीपी को निलंबित करने की मांग यहां पर की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले को सजा दी जानी चाहिए उस पर बात करने वाले हैं, पर हम उनसे ये भी मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस अफसर इस पूरे मामले में जिन्होंने लापरवाही दिखाई उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। वो पुलिस अफसर जो वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फोन नहीं उठाए, जिन्होंने स्थिति परिस्थिति को देखा नहीं, अगर 12 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसी दरिंदगी के साथ घसीटती चली गई, वो पुलिस अफसर जिन्होंने सिर्फ एक आरोपी पर धाराएं दर्ज करी और बाकियों को छोड़ दिया, वही पुलिस अफसर जिसने एक कमजोर धारा में एफआईआर दर्ज की, और डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश करी, उनके डिफेंस में स्टेटमेंट दी, उन सब पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। तो देख सकते हैं आप, मामला हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। अब एक तरफ अंजलि अकेली नहीं थी बल्कि उसकी दोस्त भी उस वक्त हादसे के वक्त उसके साथ थी, और दूसरी तरफ यहां पर इस मामले को लेकर राजनीति भी जोरों पर है क्योंकि यहां सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।